ये वीडियो आपके बिखरे हुए विचारों को जमाएगी। वैसे क्या फर्क पड़ता है, एक दिमाग जिसमें बहुत ज्ञान है पर बिखरा हुआ है, और एक दिमाग में ज्ञान है पर जमा हुआ है, जिसे कहते हैं बुद्धि। सारी इज्जत और पैसा बुद्धि का है, ज्ञान का नहीं है। सारी कामयाबी बुद्धि में है, ज्ञान में नहीं है। बुद्धि का मतलब क्या, ज्ञान को इस्तेमाल करने का ढंग। शॉर्ट लाइंस गैरी एडवाइस की रेन होने वाली है। बुजुर्ग या सक्सेसफुल इंसान जिसने किसी भी फील्ड में वक्त दिया है, उसकी बातों में तजुर्बा होने का कारण होता है उस चीज को उसने 100 बार फेस करा है, और उनका तजुर्बा आपका वक्त बचाता है। इन्हीं तजुर्बे को हम क्या कहते हैं, कोट्स। यही कोट्स गूगल करा, अरबों रिजल्ट्स मिले। इंस्टाग्राम गया तो हैशटैग कोट्स पर करोड़ों पोस्ट मिली, और ऐसे कई सैकड़ों हैशटैग्स हैं। ट्विटर पूरा कोट्स से भरा है, यहाँ तक कि अमेज़न की एक वेबसाइट goodreads.com, ये पूरा इसका सेक्शन है कोट्स का, इसमें 9 करोड़ मेंबर्स हैं। तो मैं आपको वो टॉप पॉपुलर गहरी बातें बताऊंगा जो ना केवल रेडबुल की तरह आपको केवल टेम्पररी एनर्जी देगी, बल्कि आयुर्वेदिक की तरह हमेशा वाला इलाज भी देगी। इंस्टाग्राम पर मेरी एक सीरीज चलती थी 21 की उम्र में, मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ, और वही यहाँ यूट्यूब पर लेकर आया 22.5 साल की उम्र में, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ। तो अभी आपकी एज कितनी है, 22.5। एक कॉलेज में प्रोफेसर ने अपने मर्सिडीज की चाबी रेफ्रिजरेटर में केक के बॉक्स के पास में रख दी। एक स्टूडेंट ने देखा कि मर्सिडीज तो अपने प्रोफेसर की है, जाकर चाबी उनको दे देता हूँ, भूल गया होगा। वो चाबी जाकर दे रहा था, प्रोफेसर ने बोला कि बेटा जहाँ से चाबी लाई है वहाँ पर फिर से रख दे, किसी कारण से वहाँ पर रखी हुई है। तो उसने वापस वो चाबी वहाँ रख दी। प्रोफेसर ने चाबी वहाँ इसलिए रखवा दी वापस क्योंकि प्रोफेसर नहीं चाहते थे कि वो जब घर जाए तो वो अपनी वाइफ के लिए केक भूल जाए। घर जाते वक्त वो कार के पास जाएंगे, चाबी याद आएगी, चाबी के पास जाएंगे, रेफ्रिजरेटर में चाबी पड़ी है, उसके पास केक पड़ा है। इंसान 3 चीज़ों से कोई भी चीज़ याद रखता है, पहला इंटरेस्ट, दूसरा इमोशन, तीसरा ओकेशंस। अब प्रोफेसर ने कौन सा यूज़ करा, इतना तो आप खुद तेज हो, कुल मित्र के सब्सक्राइबर्स हो। पॉइंट नंबर 2, गूगल आपकी जिंदगी का बेस्ट गुरु बन जाएगा अगर इससे सही सवाल करना आप सीख गए। इंटेलिजेंट के पास में क्या होता है, इंटेलिजेंट के पास में सही सवाल होते हैं, ना कि केवल जवाब होते हैं। मैं आपको काफ़ी बातें उसी गूगल से लेकर बताता हूँ जो गूगल आपके खुद के पास है, आपके फ़ोन में। गूगल पर बस कुछ जुगाड़ होते हैं सर्च करने के, वो अगर आपने जान दिए तो आप गूगल एक्सपर्ट बन जाओगे। स्क्रीन पर ये सारे देख लो यार, मैं बताऊंगा वीडियो लंबी बन जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, हेल्थ का ध्यान बोरिंग तरीके से मत रखो, मजेदार तरीके से रखो। जैसे कि बॉडी की बात करें तो आप स्विमिंग कर सकते हो, कार्डियो के लिए स्केटबोर्डिंग कर सकते हो, पर हाँ रीढ़ की हड्डी ना टूटे ये ध्यान रखें। पैसा कमा लिए तो घर पर ट्रेडमिल ला सकते हो, एक पंचिंग बैग ला सकते हो, पंचिंग बैग से आप फिट रहोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बैक चेस्ट शोल्डर और कोर आपका मजबूत रहेगा। पंचिंग बैग बहुत ही सही कार्डियो है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, जो भी आपके खुशी वाले हार्मोन्स आप इंटरनेट पे सीखते हो, वो जो आप जानते हो, वो सारे रिलीज हो गए। कार्डियोवास्कुलर ही राज है मेरी एनर्जी का, कार्डियोवास्कुलर से आप एक्टिव फील करते हो। ये बात हो गई शरीर की, अब खाने की बात करते हैं। आप जो भी खाते हो उसको बोरिंग मत बनाओ, टॉर्चर मत करो, ठीक है, और सबसे बड़ी बात टाइम टेकिंग मत करो, बहुत टाइम ना लगे उसके अंदर। न्यूट्रिशन के साथ में खाने में मजा भी ढूंढो और बदलते भी रहो उसको। 4थी बात, ध्यान से सुनना, प्रकृति नक्शे में चलती है। ये शक्ति इंसान को मिली है, आप नक्शे में सोचो, डायग्राम बनाओ जो सोचते हो, माइंड मैपिंग करो। विंची साहब माइंड मैपिंग करते थे। अर्थ का नक्शा आप देख लो, दुनिया का देख लो, गली देखो, घर देखो, पेड़ की तनों का देखो, इंसान के शरीर के नसों का देखो, अंदर से लंग्स को देखो, दिमाग के न्यूरॉन्स को देखो, पेड़ की जड़ों को देखो, प्लेन में बैठकर रोड्स को देखो, टूटे पहाड़ों के पत्थरों के बीच की डिजाइन देखो, फिंगरप्रिंट देखो, हर जगह आपको एक चीज दिखाई देगी, एक नक्शा दिखाई देगा। नेचर हर जगह ये सेम पैटर्न ड्रॉ करती है। डायग्राम में आप सोचना शुरू करो, ये बहुत ही गहरी बात बोलती है मैंने, डायग्राम में सोचना शुरू करो, आप प्रकृति की धीमी आवाज सुनते हुए खोज करोगे। खोज कभी भी इंसान नहीं करता है, प्रकृति इंसान का इस्तेमाल करती है। इस प्रकृति को जो जरूरत होती है वैसी खोज करने के लिए। हर खोजी इंसान है, जिसने खोज करी है ये धीमी आवाज सुन पाता है। जानता हूं ये बात गहरी होगी, लेकिन आपको भी किनारा छोड़कर मेरी तरह गहराई में डूबना होगा। नंबर 5, एरोगेंट या घमंडी होना या नहीं होना ये आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। लेकिन बस ये समझ लो कि एरोगेंट आपके काम की बराबरी का होना चाहिए। जितना आता है कमाते हो, पकड़ है काम की, एक्सपीरियंस है, कला है, मैजिकल स्किल्स आती है, उतना ही आप हवा में उड़ो। और मैं तो कहता हूं उड़ना ही क्यों है, जैसे आपके दोनों कानों में, अगर आपको पता हो तो इनर ईयर संतुलन होता है, दोनों कानों में बैलेंस की मशीन कह सकते हो आप समझने के लिए, जिसके हिलने से चक्कर आते हैं। सेम अगर घमंड और नॉलेज का संतुलन भी बनाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे, चक्कर आ जाएंगे। नंबर 6, वक्त कम है, हर चीज शॉर्ट में करो, बहुत ज्यादा जरूरी चीजें केवल 5% में ही होती है। मेरी वीडियो शॉर्ट में, बड़े लोगों के आइडिया शॉर्ट में होते हैं, कहते हैं कि अगर आप कोई चीज एक लाइन में नहीं समझा सकते तो आपने उसको ढंग से समझा नहीं है। बातें शॉर्ट, लोग शॉर्ट, टास्क शॉर्ट, हर चीज कम करो, उसको कहते हैं मिनिमलिस्ट बन जाना, यानी कि कम से कम चीजें करना लेकिन बहुत खतरनाक फोकस के साथ करना। इंटरनेट पर चीजें भी कम कर दो, क्योंकि 100 चीजें देखने पर आपका फोकस इक्वली बढ़ जाएगा, लेकिन वही अगर आप केवल 2 देखोगे तो आपका फोकस पूरा 2 में आ जाएगा। फोकस की क्वालिटी बढ़ाओ, सारा खेल फोकस का है। मेरे भाई सलील जामदार कहते हैं,
आप किसी भी फील्ड में आप इतिहास रच दोगे अगर आपको बस पहचानना आ गया कि वो कौन से 5% है जो बहुत खतरनाक मैटर करता है। वो जो गेम, जो रियल गेम है ना, वो 5% के अंदर है। बहुत कम चीजें ही होती है हर फील्ड में जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो बड़े लोगों को पता लग जाती है। चलो पॉइंट को भी शॉर्ट करते हैं। नंबर 7, शब्दों की ताकत समझो। इंसान बोलता है, बाकी कोई जीव नहीं बोलता है। शब्दों से आप किसी का दिल भी जीत सकते हो, किसी का मुंह भी बंद कर सकते हो। दो बड़ी कंट्रीज के बीच में वॉर रुक भी सकती है, हो भी सकती है शब्दों की वजह से। शब्दों की ही ताकत से इस दुनिया के काफी लीडर्स ने इस दुनिया को वश में करा। बस राइट टाइम पर राइट वर्ड्स आपको बोलने आने चाहिए। राइट टाइम पर राइट वर्ड्स सामने वाले के पल्स के अकॉर्डिंग आपको भेजने आने चाहिए उनके कानों में। पल्स माने कौन सी बात लोगों के खून में जान डालती है, आपको पता होना चाहिए। You are not machines, you are not cattle, you are men. यानी लोगों की नसों में जो खून दौड़ रहा है उसकी कंपन के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो। और कहीं आप मेरे शब्दों में ना उलझ जाओ तो मैं कह दूं कि मैं केवल रेफरेंस देने के लिए ऐसे एग्जांपल यूज कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे की बात समझनी है। ये वह दूसरों को क्या बोलते हो, अब बात करते हैं खुद को क्या बोलते हो। जैसे अगर किसी को वजन कम करना है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए खुद को कि मुझे वजन कम करना है, हो नहीं पा रहा है। बल्कि उसको कहना चाहिए कि मुझे रोज के 10,000 स्टेप्स चलना है। पैसा कमाना है तो बात नहीं करनी पैसा कमाना है, बात करनी चाहिए कि मुझे इतने टाइम में इतने काम करने हैं किसी भी हाल में। सॉल्यूशंस के स्टेप्स पर कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि लक्ष्य पर। लक्ष्य दिमाग में रखो लेकिन स्टेप्स को हाथों में रखो। 8वां पॉइंट, हाई पेइंग स्किल्स। सबसे ज्यादा जिसमें पैसा है वो स्किल सीखना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। वर्ल्ड की वो बेस्ट स्किल सीख डालो जिसमें पैसा भी हो और आपको मजा भी आता हो। स्क्रीन पर मैंने वो 30 स्किल्स लिख दी है, देख लो, इनमें बहुत पैसा है। बस आप ये देख लो सर्च करके कि इसमें से कौन सी स्किल्स आपके मजे की स्किल्स है। इसमें से 3 कोई भी सिलेक्ट कर लो, 3 कोई सीख डालो, 4-5 महीने में आप सीख लोगे अगर आप ढंग से सीखने बैठोगे। दोस्ती कर लो गूगल, यूट्यूब से, या फिर दुनिया की बेस्ट कोर्सेस की वेबसाइट्स, कोर्सेरा, मास्टर क्लास, यूडेमी, स्किल शेयर्स, या फिर यूट्यूब में फ्री में प्लेलिस्ट, ये सब चीजें देख के आप सीख सकते हो। 9वां पॉइंट, मेरा फेवरेट पॉइंट, वक्त जाता है बहुत फास्ट। साल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। कोरोना गया, 3 साल हुए पता लगा। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते 5 साल हो गए, मुझे पता नहीं लगा। मैं आपको मूवीज के नाम से बताता हूँ कि कितना जल्दी टाइम जा रहा है। कोई मिल गया मूवी 2003 में आई थी, 20 साल हो गए। आयरन मैन मूवी ऐसी लगती है अभी की है, अभी 7-8 साल हुए हो गए, 2008 की मूवी है। नोटबंदी की बात को 6 साल हो गए, 2016 में हुआ था। अरे टिकटॉक को बैन हुए 2.5 साल हो गए, अभी की बात लगती है। एंग्री बर्ड को 13 साल हो गए, अभी की बात है। एक टूल है जिसकी ईयरली मेंबरशिप एक्सपायर हुई, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि 1 साल हो गया। मुझे लिटरली लगा कि केवल 5-6 महीने तो करा था, तो मैंने इनवॉइस देखा और यकीन हुआ कि यार क्या फास्ट वक्त जा रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है वक्त इतना फास्ट क्यों जा रहा है। मेरे ऐसे वीडियोस बनाते बनाते एज हो जाएगी, आपके सुनते सुनते एज हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा। शाहरुख खान कहते हैं कि पलक झपकते हैं उनको 25 साल हो गए, पता ही नहीं लगा। 25 साल पलक झपकते ही निकल गए। ऐसे ही वक्त जाता है। आप देखो 2023 भी आ गया, कुछ पता लगा 2022 गया। जो हम बूढ़े हो गए, हवा ही नहीं आएगी। जितने पलों को एंजॉय कर सकते हो आप करो, या फिर जो भी काम करने का मन करे करो। आपको पता है मरने के डर से कोई नहीं रोता है, रोता है खुलकर ना जिए, इस वजह से जो जी लिया वो खुशी से जाता है। और अगर वक्त की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि कैसे आप अपने जीवन के 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में कैसे कर सकते हो।